लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही जोर शोर से सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के मुख्य घटक दलों में से एक डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन का सनातन पर दिया गया विवादित बयान विपक्ष के गले की फांस बन चुका है। उदय निधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा डीएमके नेता और सीएम स्टालिन को घेरने पर लगी है। इसी कड़ी में अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर ना सिर्फ हमला बोला है बल्कि संविधान के उन हिस्सों का भी जिक्र किया है जिनमें सनातनी मान्यताओं और पौराणिक ग्रंथों की झलक देखने को मिलती है। सनातन धर्म पर छिड़े विवाद पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सनातन धर्म को संविधान में भी सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, अर्जुन, नटराज और हनुमान जी की तस्वीरें हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बीआर अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं इस पर जवाब दे रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जो हैं वो सवाल उठाते हैं और एक गृह मंत्री कर्नाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया। तो उनसे मेरा सवाल है, परमेश्वर जी आपका नाम परमेश्वर किसने दिया? और कांग्रेस के लोग समझिए कि जब संविधान बना तो एक विचार हुआ कि ऐसे ही उसको प्रस्तुत कर दिया जाए। तब फिर क्या नेहरू जी, क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर अम्बेडकर, क्या सरदार पटेल, क्या मौलाना आजाद ने कहा कि हम भारत की परंपरा, संस्कृति, संस्कार को डालेंगे इसमें। ये भारत का ओरिजिनल संविधान है और ये कांग्रेसियों को बताना जरूरी है, वो भूलते हैं और बार बार नेहरू जी का नाम लेते हैं। तो जरा देख लें ये दस्तखत किसका है। सबसे ऊपर राजेंद्र प्रसाद, उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए डायरेक्टर प्रिंसिपल के ऊपर प्रभु कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस विवाद का जन्म तब हुआ जब बीती 2 सितंबर को उदय निधि स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में स्पीच के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उदय निधि ने कहा था कि जिस तरह मलेरिया और कोरोना को खत्म किया जाना जरूरी है, उसी तरह सनातन भी है। वहीं इस बयान के बाद से ही देश की राजनीति में बयानबाजी थम नहीं रही है। बीजेपी एक तरफ विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए सनातन विरोधी मानसिकता का बताकर कांग्रेस से अपना स्टैंड क्लियर करने को कह रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं स्टालिन के बयान से किनारा करती दिख रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में ये मुद्दा क्या नया राजनीतिक रंग लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।